हाय, मेरा नाम है हशमी सिंह है एंड आई एम अ परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट आई एम ऑल्सो अ टैटू आर्टिस्ट एंड परमानेंट मेकअप मीन्स टैटूज ऑन द फेस बट स्लाइटली डिफरेंट सो दैट इज़ माय ऑक्यूपेशन एंड आई हैव अ स्टूडियो कॉल्ड ब्राउ मास्टर इन बैंड्रा मुंबई मेरा काम बहुत एक्साइटिंग है एंड आई कम्प्लीटली लव माई वर्क आई लव मेकिंग पीपल ब्यूटिफुल एंड इट्स रियली रियली एक्साइटिंग मेरे बहुत सेलिब्रिटी uh, क्लाइंट्स हैं एंड इट्स अ वेरी नीच फील्ड उसके बारे में लोगों को अभी अभी पता चल रहा है तो मैंने सिर्फ दो या तीन साल पहले ही स्टार्ट किया था और इन तीन सालों में मेरा बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँच गया एंड थैंक्स टू द इंटरनेट एंड थैंक्स टू टेक्नोलॉजी थ्रू इंस्टाग्राम फेसबुक एंड गूगल हमने uh, ऐसी सफलता देखी है जो हमने सोची भी नहीं थी तीन साल पहले तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी उसके बिना मैं सोच भी नहीं सकती थी स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कैसे लोगों को मेरे बारे में पता चल रहा चलेगा मुझे खुद इंस्टाग्राम के बारे में इतना नहीं मालूम था कि इंस्टाग्राम के थ्रू मैं इतना सक्सीड uh, कर सकती हूँ अपने बिजनेस में लेकिन वंस आई बिकेम वेरी कंसिस्टेंट इन यूजिंग द टेक्नोलॉजी आई सॉ सक्सेस दैट आई हैड नॉट थाट फॉर माई सेल्फ मैं uh, मेरे इतने फॉलोअर्स बढ़ गए मेरे पास इतने सेलेब्रिटीज़ आने लगे थैंक्स टू टेक्नोलॉजी एंड आई एम रियली रियली ग्लैड कि मैं इतना सीख पाई हूँ टेक्नोलॉजी को जो लोग सिखा रहे हैं टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने इतना नॉलेज और एजुकेशन स्प्रेड किया क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे टीचर्स से कनेक्टेड हूँ और uh, कंटिन्यूसली मैं अपनी टेक्नोलॉजी की स्किल्स को अपग्रेड करने की कोशिश करती रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे थोड़ा ही मैंने टेक्नोलॉजी सीखा तो मैंने इतना कुछ आ, अपने फील्ड में अच्छा किया है मैं और सीखूँगी तो मुझे पता है कि मैं बहुत बहुत दूर तक जा सकती हूँ तो मुझे लगता है कि फ़ॉर ऑल द आंटरप्रीन्योर्स अगर वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम दे इफ़ दे बाय कोर्सेज एंड दे ट्राई टू लर्न

and uh, owing to technology the good part about the education and learning system these days is that uh, we can reach out to the best teachers of india for any field that she is interested in so if her uh, music may interested in to india ke बहुत अच्छे सिंगर्स जो कि कलकटा में बेस्ड हैं वेर इज़ वी आर इन मुंबई शी इज़ टेकिंग क्लासेज फ्राम सिंगर्स इन कैलकाटा शी इज टेकिंग क्लासेज फ्राम पियनिस्ट इन कैलकाटा कैलकाटा इज़ द म्यूज़िक हब ऑफ इंडिया सो वो सब कुछ कैलकाटा uh, के टीचर्स से ऑनलाइन सीख रही है बट ऑन द फ्लिप साइड जब मैं अपने आप से कंपेयर करती हूँ जब मैंने बचपन में अपनी ख़ुद की म्यूज़िक क्लासेज अटेंड करी थी तो मैंने सारी क्लासेज लाइव ली थी सो so, मेरे टीचर्स बेस्ट नहीं थे मेरे टीचर्स वही थे जो कि कॉलोनी में दस पंद्रह मिनट के डिस्टेंस पर रहा करते थे अवेलेबल थे जिनके फ्ल में साइकिल चला के जा सकती थी बट माई स्टिल लर्निंग मच फास्टर विद इन थ्री टू फोर क्लासेज आई हैड अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन माई सिंगिंग इन माई पियानो प्लेइंग विद इन थ्री टू फोर क्लासेज आईड लर्ड सॉन्ग्स एंड टू एंड ऑन माई ओन वेर इज माई डॉटर हैजेक ऑलरेडी ट्वेंटी ट्वेंटीज एंड आई डू नॉट सी द काइंड ऑफ लर्निंग आई हैड अचीव विद इन फोर टू फाइव क्लासेस सो आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी बिकॉज Uh, एक घंटे की क्लास में सेटअप करने में और ओवरऑल इंटरेक्शन करना और चीज़ों को अच्छे से समझ पाना जितना फेस टू तो फेस हो पाता है उतना टेक्नोलॉजी में नहीं हो पाता है आई रियली बिलीव दैट इनफैक्ट मैं अपना खुद के परमानेंट मेकअप के क्लासेस देती हूँ और मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं बो, बोलते हुए कि मैम मैं, मैं चाइना में रहती हूँ मैं uh, नेपाल में रहती हूँ और मैं आपसे ऑनलाइन सीखना चाहती हूँ पर मैं सभी को यही इनक्रेज करती हूँ कि वो यहाँ पे मुंबई में आके मुझसे चार दिन सीखेंगे तो वो ज्यादा सीखेंगे राधा दिन टेकिंग अ फोर्टी आवर क्लास ऑनलाइन तो मुझे खुद अपनी डॉटर के लिए ठीक नहीं फील होता है दैट शी हैज टू टेक दीज क्लासेज ऑनलाइन क्योंकि मुंबई में एक जगह से दूसरी जगह दो घंटा ट्रैवल करके जाना टू द टीचर इज नॉट पॉसिबल ऑनलाइन हम आप बेस्ट टीचर्स अफोर्ड कर सकते हैं बेस्ट टीचर्स से क्लासेस ले सकते हैं बट अगेन उसमें उतना मज़ा नहीं है उतना वो नहीं लर्न कर पा रही है दैट रियली कंसर्न मी अनदर कंसर्न दैट आई हैव एज माई एज अ मदर इज दैट माई डॉटर सोशल स्किल्स आर गेटिंग really लिमिटेड जब बच्चे थे कॉलोनी में सिर्फ दस बच्चे हुआ करते थे झक मार के उन्हीं के साथ खेलना है उन्हीं के साथ लड़ना है और उन्हीं उन्हीं के साथ उनको सालों साल फ्रेंड बना के रखना पड़ता था बट अभी इंटरनेट की दुनिया में इतने ज़्यादा ऑप्शन हो गए हैं बच्चों के पास दैट कॉलोनी के बच्चों बच्चे हैं या नहीं उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है शी हैज़ एंटायर यूनिवर्स ऑफ फ्रेंड्स ऑन द इंटरनेट हर बेस्ट फ्रेंड्स आर देर इन फ्रेंड्स उसकी बेस्ट फ्रेंड चाइनीज है फ्रांस में है यू एस में है दोज आर हर बेस्ट फ्रेंड्स द पीपल हु शी चैट्स विथ फॉर अबाउट आवर्स अ डे and uh, she does not care about the kids who live in the society. they are not her best friends because when you meet people uh, in real world, there are real challenges, real pro problems. like they are not playing the games that i want to play and uh, they are dominating me, which does not happen so much in the online world. so it's much easier to just chat and make friends online. so uh, we would, as indian parents, would like to have her real friends who can come in the house like in our childhood and have real relationship.

पुट द लैपटॉप अवे अदर देन जस्ट खाना खाने और नहाने के अलावा एवरीथिंग थिंग एल्स इज हैपनिंग ऑन द लैपटॉप सो आई नेवर नो वॉट शी इज डूइंग वैन शी इज़ ऑन द लैपटॉप सो आई गेट वेरी कंसर्न एन आई सी हर ऑलवेज सिटिंग ऑन लैपटॉप एंड आई आस्कर वॉट इज इट दट यूर डूइंगज़ लाइक आई एम इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन मैं म्यूजिक कर रही हूँ बट आई एक्चुअली हैव नो आडिया वॉट शी इज डूइंग एंड समटाइम्स आई

huge concern that i have and i'm sure there are solutions that are that will come up that are coming up and that's why i am associated with such organizations which talk more about mental health and how to keep a uh, how to healthily introduce technology to your children so i really encourage that everyone is um, everyone is uh, connected and is investing more time into spreading awareness about such topics so that we can understand how to use technology only in a constructive manner and uh, not let uh, ourselves and our families and our children get engulfed by the darker side of it i'm really glad that an organization like akanshas is helping women entrepreneurs uh, learn more about technology learn various usage and safe usages of technology and uh, it's also helping uh, all the mothers out there to make technology more safe for their children and feel comfortable while using technology so i'm really proud of akansha's organization and especially as a woman she's doing such a noble work so i'm really happy to help her support her and i hope that she does uh, so much more work in helping women entrepreneurs and mothers out there to make them really confident in making them uh, make best use of technology